दिल्ली की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुनवाई हो रही है। हालांकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले को दूसरे बेंच में भेजा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जस्टिस संजीव खन्ना के पास जाकर अपनी बात रखें, उनकी स्पेशल बेंच है। चीफ जस्टिस ने कहा कि संजीव खन्ना की बेंच आज सुनवाई करेगी। अब जस्टिस संजीव खन्ना की कोर्ट में जा रहे हैं अभिषेक मनु सिंह। गुरुवार को आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में सबसे हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी। वहीं विपक्ष ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। इस बीच आपके प्रदर्शन को देखते हुए आईटीओ मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया। शुक्रवार को दिल्ली सरकार की मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप एक केजरीवाल गिरफ्तार करेंगे और दिल्ली की सड़कों पर हजारों केजरीवाल उतरेंगे। ईडी द्वारा अपने राष्ट्रीय संयोजक को गिरफ्तार किए जाने से नाराज आम आदमी पार्टी शुक्रवार को भाजपा कार्यालयों के बाहर देशव्यापी गिरफ्तारियां देगी। राष्ट्रीय राजधानी में आप कार्यकर्ताओं का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी है।